जी जी आप कौन? ये लो कल्लो जी बात। यहाँ पूरे शहर में मजनू मजनू की जय जयकार हो रही है और आप पूछ रही हैं हम कौन। अब आप इतने प्यार से पूछ रही हैं मजनू। मजनू नाम है हमारा। 56 विजय नगर प्लाज नवलखा यूनिवर्सिटी मंडी रजवाड़ा। अखे इंदौर में कहीं पे भी खड़े होकर नाम बोलेंगे ना तो आसपास की जनता हमारे घर तक छोड़ के जाएगी आपको। तो क्या अपने घर का पता भूल गए हो? क्यों आए हो यहाँ? हमें नहीं मिलना तुमसे। चलो निकलो चलो। ऐसे कैसे नहीं मिलना मैडम, अभी दिखाते हैं। अरे एक देखा मैडम, पार्टनर है अपनी। बचपन से हर नौटंकी में एक दूसरे का साथ देते आए हैं। और बड़े क्या हाल है तेरे? ए पाड़े, घर में नहीं बुलाएगी क्या? अच्छा जी, अब तुमको भी बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे नहीं होता है। चला आ जा। एक मिनट, ये है क्या बला? अरे कोई बला बला नहीं है, पार्टनर है अपना, पार्टनर मजनू। एक्टर है एक्टर, इसलिए ना अपनी धुन में रहता है। मस्त है ना मजनू? अच्छा आना तो जरा। एक मिनट मजनू, तुम्हारा ये एक्टर दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारे घर में क्या कम समस्याएं हैं जो ये भी आ गया? तो ये हमारी समस्या बढ़ाने नहीं आया है, समस्या को कम करने में हमारी मदद करने आया है। मतलब? अब मतलब हम आपको बाद में समझा देंगे। आना मजनू, तुझे क्या हुआ? ये लो, तुम लोग भी अजीब हो, दिवाली के बाद कलर करवा रहे हो। अरे गुड्डन मुझे बताया होता मैं डिस्काउंट दिलवा देता। अपना कजन है ना विकी भाई। अरे वो ये पेंटिंग वेंटिंग का भी करता है। हाँ हो गया तेरा? माय गॉड गुड्डन, घर वाला सही मिल गया तुझे। मोटी मछली फंसाई है, मोटी मोटी मछली। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, मोटी मछली फंसाई है इसने। कौन है तेरी मर्जी? तेरी सास है क्या? दिखती भी ऐसे ही खा जाएगी। बहू है हमारी। तेरी बहू? क्या नाटक है ना तू? उठ चल, बहुत लंबी कहानी है, चल चलते चलते बताते हैं। बैठना पहले की तरह जैसे चौकड़ी मार के बैठते थे। ना गुड्डन ना, ऐसे ही बात कर ले। वो क्या है कि अभी 850 की नई जींस ली है, ऐसे बैठने के चक्कर में खराब हो जाएगी। नाटक की दुकान, बैठ चुपचाप। जींस। अब बता कैसे याद कर लिया? और यार ठंडा गरम तो पूछ ले। घर की हालत नहीं दिख रही तुझे, ठंडा गरम तो पूछ ले। ठंडा गरम कुछ नहीं हमारे पास। चल एक काम करते हैं, अपने तो पहली वाली चाय पिला दो, थोड़ी गपचप भी कर लेंगे। अच्छा ले, पास में रखी हमने। गरम है ना? ले ले बिस्किट भगा ले। अब बता कैसे याद कर लिया? देख घर की हालत तो तू देख ही रहा ना, घर में चोरी हो गई। चोर है ना, घर का सारा सामान ले गए। तू तो चोर बाजार का चप्पर चप्पर जानता है ना, जींस विंस तो तू वहीं से लेता है ना। क्या 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 जैसे तो हमें पता ही नहीं है, सब पता हमें तो। फिर अब तू कुछ भी जुगाड़ करके घर का सामान ढूंढ निकलवाना। यार ये तो बहुत ही भयंकर वाला मुश्किल काम है। और वहां देख, तू अब ऐसा मत बोल, तेरे अलावा हमें और किसी से उम्मीद भी नहीं है, इसलिए तुझे इतनी दूर से बुलाया। अब तो कैसे भी करके हमारा सामान ढूंढने में हमारी मदद कर, वरना वो अंकल है ना वैसे भी। अंकल?
जिनसे हमारी शादी हुई है। हाँ तूने बताया था, तूने अंकल बुलाती है। तो ठीक है ना, इतना हंसने की क्या फायदा है। और ना बहुत सीरियस बात है, चुपचाप करके सुन। देख हमारे घर में जो चोरी हुई है ना, उसमें वो चोर है ना बाकी सब सामान तो लेकर गए, और अंकल की जो पहली पत्नी है ना अंतरा जी, उनकी तस्वीर भी ले गए, और वो है ना उनकी इकलौती निशानी थी अंकल के पास, तो वो मैं किसी भी आदमी वापस लानी होगी रे बड़े। कुछ करना। बड़ा निराला शहर है, रोज के रोज नए नए नमूने देखने को मिलते हैं। अब अपने ही घर का सामान चोर बाजार में बेचने वाली औरत के दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। अच्छा अच्छा, ज्यादा धन होने की जरूरत नहीं है, वरना धन्य कर दूंगी किसी और को सारा सामान बेचकर। इधर सुनो, पैसे लेके आ हो? अबे लेके आया हूँ। दुकान नंबर 18, गली नंबर 56। पहुंच तो ना। हेलो, हाँ मजनू। अरे हाँ, एड्रेस है हमारे पास। हाँ हाँ, ये हमारे पास लिखा है। हाँ, हम घर से निकल गए और वहां जाकर फोन कर देंगे। आज तो चोरी किया हुआ सामान और चोर दोनों को घर वापस लाकर रहेंगे। आया बड़ा नहीं तो। जल्दी भैया जल्दी। अरे यहाँ से कहाँ? अरे अरे मैडम, गिनती तो करने दो। हाँ ओड़ा। हे भगवान, भैया पिछले 3:42 सेकंड से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे गिनती करते रहो, मैं खड़े होकर देखूँ। सुनो एक काम करो, तुम ये सारे पैसे मुझे दो और तुमको जो करना है वो। अरे मैडम, आप धंधे में नहीं है क्या? अरे गिनती किए बिना 1 रुपया भी नहीं मिलता, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, जल्दी करो ना काम। अगली बार अगर कोई घर लूटे तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। चोर लगती हूँ क्या? बड़े खानदान से हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर देंगे, और उसके लिए चाहे हमें धरती पाताल आकाश सब एक क्यों ना करने पड़ जाए। मैडम ये हमारा अलार्म है, आप निकलिए इधर से। अच्छा अच्छा। अरे मैडम एक मिनट, इसे लेके जाइए।
ये बिल्कुल फालतू का आइटम है, बिकेगा भी नहीं और इसके पैसे भी नहीं लगा मैंने आपको लेके जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये पेंटिंग, तुम अपने पास ही रखो। वैसे भी तस्वीर देख के लगता है कि ये अभी बाहर आ जाएंगी, मुझे नहीं चाहिए, रखो तुम। लो जी, मतलब वैसे ना गॉड आप भी क्या ही गॉड, सारथी बन के मंजिल तक तो पहुंचा ही दिया, थोड़ा सा लेट हो गए। वैसे ना अंकल सही कहते हैं, सीधी सीधी रोड पे भी नहीं चल सकते हम। बच्चे तो नहीं फट गए, दुकान तक पहुंच गए तो अंदर जाके भी देख लेते। ये कहाँ से टपक आई? अरे इनको कौन बता दिया यहाँ का पता? मैं ना दुकान के मालिक से जाके बोल देती हूँ कि मेरे बारे में ना बताए। अब नहीं 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 नहीं, अगर ये अंदर आ गई तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, उसी में भलाई है। इसे तो मैं ही फेंक देता हूं। ए, जल्दी से दुकान बंद कर लो और बाहर आ जाओ। अरे क्या मुसीबत है, अभी इसको फालतू में जगह घेरे के फेंकना पड़ेगा। हम तो कचरा पट्टी वाले हैं, ये कचरा वचरा बेच के हमारा बिजनेस चलता है मैडम, कचरे में किसी ने फेंक दिया होगा तो आ गए हमारे पास। अच्छा कचरा पट्टी वाले हैं, देखकर तो नहीं लग रहा, मजनू ने भेजा हमें यहाँ, मजनू ने, और बताया था कैसे चोरी के सामान में बिजनेस करते हैं आप, बेस्ट डील दिलाते हैं ना। हमारे घर पे भी सारा सामान चोरी होगा। कि हमारे सारे घर का सामान अपनी दुकान में तो नहीं घुसा के रखा? नहीं, अभी जाकर देखते हैं। ए लड़की, अरे भैया, अरे मैडम मैडम करके कह रहे हैं तो समझ में नहीं आता क्या? और कुछ तेज चलने की जरूरत नहीं है, कुछ सामान वामान नहीं है अंदर, अगर देखने की इतनी ही जिज्ञासा है ना, पहले पुलिस को लेकर आओ और बाद में दिखाते हैं कि अंदर क्या है। और ये तस्वीर लाओ इधर, लाओ जो इधर, ये तस्वीर सबसे पहले हमें मिली थी तो इस पे सबसे पहले हमारा हक है। अरे हम कचरा बेच देते हैं तो इतने सुंदर महिला की तस्वीर नहीं बेचेंगे, कोई भी ले लेगा इसको। नहीं नहीं नहीं, बच्चे सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। अरे क्या अंकल, आप हमारी बात को सीरियस लेने लग गए? हमारी, हम तो कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी, हमारी बात तो कोई सीरियस लेता ही नहीं, सच्ची मतलब कोई भी नहीं सुनता है। आप ये तस्वीर प्लीज हमें दे दीजिए ना प्लीज। अच्छा सुनिए सुनिए, अब हम एक काम करते हैं, आपको इस तस्वीर के बदले जो भी कुछ है ना हम आपको देंगे। अच्छा? हाँ। जो भी मैं चाहूंगा दोगे? बस क्या, अंकल सही कहते हैं, करने कुछ जाते और हो कुछ जाता, पर अब क्या कर सकते हैं। अंकल आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे, पर आप बस ये तस्वीर हमें दे दीजिएगा। हाँ बताइए क्या चाहिए, बताइए।
ये कान के झुमके हमें दे दो। एक मिनट रुकिए, लो ये हमारे कान के झुमके, लाइए तस्वीर। एक मिनट, अब तो तस्वीर की कीमत और बढ़ गई, अब तो आपके कंगन, पायल और अंगूठी वो भी लेना पड़ेगा। अंतरा को वो तस्वीर बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था उसके लिए। हमें ना वैसे भी गहने पहनने का कोई शौक नहीं है, लीजिए। ये हमारी पायल, खुश, ये भी आपकी हुई। और हम आपको एक बात बता दें, इतना लालच करेंगे ना तो भुगतेंगे एक दिन, सच बता रहे हैं। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि लालच बुरी बला? हमने वो कहावत नहीं सुनी, हमने ये कहावत सुनी है कि काम हमारा बनता और भाड़ में जाए जनता। ठीक है ना फिर, अब आपका काम बन गया, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। हाँ, तस्वीर दे दीजिए। अरे एक मिनट, अब क्या, अब तो दे दीजिए तस्वीर। पहले आपका ये मंगलसूत्र दे दीजिए, फिर तस्वीर आपकी हुई। अंतरा को वो तस्वीर बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था उसके लिए। और उसने मुझसे कसम ली थी, मैं उसकी इकलौती तस्वीर हमेशा संभाल कर रखूंगा। अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर रहेंगे, फिर उसके लिए चाहे हमें धरती पाताल आकाश सब एक तो ना करने पड़ जाए। पंडित जी ने कहा था कि मंगलसूत्र सबसे कीमती गांठ होती है शादी की, इसे हमेशा पहन कर रखना। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मंगलसूत्र बहुत महंगा है क्या? मैं तुम पे चिल्ला लूंगा, डांट भी दूंगा तुम, पर क्या उससे अंतरा की तस्वीर वापस आ जाएगी? इस घर के हर सदस्य को, सबसे पहले खुद को, हमें ये साबित करना है कि आपने हम पे भरोसा करके कोई गलती नहीं की। नहीं भैया, इस तस्वीर के एहसास और इमोशन से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं। पूरे इंदौर के सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आपकी टीम में हैं।
उसके बावजूद आप लोग एक पेंटिंग का पता नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, अगर पुलिस वालों ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया ना, तो मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। पिक्चर्स भी भेज चुका हूं। जी हाँ, मेरी पत्नी ने उसमें एक लाल कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना वो पेंटिंग ना कोई दुकान।